students, today I have come with a new video and particularly in objective questions in environmental geography. You know that environmental geography is a part and parcel of competitive exams, particularly in IS exams, UPSC exams, NET / JRF exams, MA level exams. इसीलिए पर्यावरण भूगोल में आपको इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की जानकारी होना अति आवश्यक है. तो आप देखें पर्यावरण भूगोल इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में सम कुछ बेसिक इम्पोर्टेंट मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चंस को जो आपको पीपीटी पर दिखा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर वन है, हु यूज द टर्म एनवायरमेंटल ज्योग्राफी एट फर्स्ट ऑफ द फॉलोइंग. निम्न में से किसने एनवायरमेंटल ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया. नंबर ऑप्शन ए एन स्ट्रालर एंड एच स्ट्रालर, ऑप्शन बी ए जी ट्रांसले एंड ई पी ओडम, सी के ए विट एंड एफ के हेयर, डी सी जे फरूख बरोज एंड डी वी एगर. तो इसमें आंसर होगा सी, मीन्स के ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर. के हेविट एंड एफ के हेयर यूज्ड द टर्म एनवायरमेंटल ज्योग्राफी एट फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर टू, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज द टर्म इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र एट फर्स्ट. सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र अर्थात इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया. ऑप्शन ए ओल्डम, ऑप्शन बी स्टालर, ऑप्शन सी टांसले, ऑप्शन डी क्लार्क. टांसले इज द करेक्ट आंसर. सी ऑप्शन सी टांसले यूज द टर्म इकोसिस्टम एट फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर थ्री, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ इकोसिस्टम. इकोसिस्टम के प्रमुख तत्वों में से निम्न में से कौन सर्वाधिक इम्पॉर्टेंट है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ इकोसिस्टम. ऑप्शन ए इनर्जी फ्लो, ऑप्शन बी इकोलॉजिकल सक्सेशन, ऑप्शन सी फूड चेन, ऑप्शन डी फूड वेव. इसमें इनर्जी फ्लो का महत्व सबसे ज़्यादा है इकोसिस्टम में, और इनर्जी फ्लो के कारण ही इकोसिस्टम जीवित होता है. इसलिए ऑप्शन ए इनर्जी फ्लो इज द करेक्ट आंसर, अर्थात इनर्जी फ्लो इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ इकोसिस्टम. क्वेश्चन नंबर फोर, हु प्रोपाउंडेड द टर्म इकोलॉजी एट फर्स्ट. इकोलॉजी शब्द का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया. मिवार्ट ऑप्शन ए, बी टेलर, सी हैकेल, डी पीटर हैगेट. इसमें ऑप्शन सी हैकेल इज द करेक्ट आंसर. हैकेल यूज्ड प्रोपाउंडेड द टर्म इकोलॉजी एट फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर फाइव, गोइंग टुवार्ड्स इक्वेटर फ्रॉम पोल्स द वेराइटी ऑफ प्लांट्स. ऑप्शन ए इंक्रीजेज, ऑप्शन बी डिक्रीजेज, सी रिमेन द सेम और डी मे इंक्रीज और डिक्रीज. अर्थात जब गोइंग टुवार्ड्स इक्वेटर फ्रॉम पोल्स दोनों ध्रुवों की तरह उत्तरी ध्रुव से इक्वेटर की ओर आवें या दक्षिणी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आते हैं तो वैरायटी ऑफ प्लांट्स में क्या परिवर्तन होता है. ऑप्शन ए इंक्रीजेज बढ़ता है, ऑप्शन बी डिक्रीजेज घटता है,
ऑप्शन सी रिमेन द सेम, एक समान रहता है। ऑप्शन डी मे इंक्रीज और डिक्रीज, घट भी सकता है बढ़ भी सकता है। तो ऑप्शन ए इंक्रीजेज इज द करेक्ट आंसर, अर्थात जब हम पोल से, चाहे उत्तरी पोल से, नॉर्थ पोल से चाहे साउथ पोल से इक्वेटर की ओर बढ़ेंगे तो वैरायटी ऑफ प्लांट्स इंक्रीजेज बढ़ता है। देयरफॉर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फूड वेव, फूड वेव निम्न में से कौन है आहार जाल, फूड वेव का अर्थ होता है आहार जाल। ऑप्शन ए, ए वेरी लॉन्ग स्ट्रेट लिंक्ड फूड चेन, बी ए मॉडरेट साइज्ड फूड चेन हैविंग मेनी ट्रॉफिक लेवल्स, सी ए सीरीज ऑफ फूड चेन्स हैविंग मेनी ट्रॉफिक लेवल्स, डी सर्कुलर फूड चेन। ए सीरीज ऑफ फूड चेन्स हैविंग मेनी ट्रॉफिक लेवल्स इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी ए सीरीज ऑफ फूड चेन्स आहार श्रृंखला का एक क्रम जिसमें अनेक ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं वह फूड वेव के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर सेवन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र का कौन निम्न में से कौन कंपोनेंट नहीं है। ए डीकंपोजर, बी इनर्जी कंपोनेंट, बी फिजिकल कंपोनेंट, डी बायोटिक कंपोनेंट। तो ऑप्शन ए डीकंपोजर इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर एट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ जीरोफाइट्स प्लांट्स, जीरोफाइट्स प्लांट्स के विकास के लिए निम्न में से कौन सुटेबल है। ऑप्शन ए सहारा, ऑप्शन बी ग्रीनलैंड, ऑप्शन डी अंटार्कटिका, ऑप्शन डी पैसिफिक ओशन। विश्व के मानचित्र पर ये चारों को देख रहे हैं आप। सहारा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, उत्तरी ध्रुव के निकट ग्रीनलैंड एक ये ठंडी मरुभूमि है, कोल्ड डेजर्ट है। अंटार्कटिका साउथ पोल पर स्थित एक कोल्ड डेजर्ट है, मरी हुई भूमि है, मरुभूमि है। और पैसिफिक ओशन प्रशांत महासागर। जीरोफाइट प्लांट्स का विकास मरुभूमियों में होता है। आप कोपेन में भी देखे होंगे कि जो 1874 में अल्फोंसो डी कंटोले ने विश्व का प्लांट का क्लासिफिकेशन किया था उसमें जीरोफाइट्स मरुभूमि के प्लांट्स के लिए, मरुभूमि के प्लांट्स के लिए शब्द का प्रयोग किया जीरोफाइट्स। तो जीरोफाइट प्लांट के लिए सुटेबल, जीरोफाइट प्लांट के विकास के लिए सुटेबल जगह है सहारा, यानी सहारा मरुस्थल में ही जीरोफाइट प्लांट्स का विकास संभव है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सहारा इज सुटेबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ जीरोफाइट प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर नाइन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट वाटर पॉल्यूटेंट्स, जल प्रदूषकों में से आपको गणना करना है कि सबसे बड़ा जल प्रदूषक कौन है। ए सरफेस रन ऑफ, बी एयर पॉल्यूशन, सी सीप, डी ऑफशोर प्रोडक्शन। तो नाइन में सरफेस रन ऑफ, सतह पर जो नदियां प्रवाहित होती हैं, वर्षा जल प्रवाहित होता है, इसमें सबसे बड़ा प्रदूषण के पदार्थ होते हैं, इसलिए सरफेस रन ऑफ इज द लार्जेस्ट वाटर पॉल्यूटेंट्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम यूनेप
एस्टेब्लिश्ड, यूनेप की स्थापना कब हुई अर्थात यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम की स्थापना कब की गई थी, ऑप्शन ए 1952, 1952, बी 1972, सी 1962 एंड डी 1982। तो 1972 ईस्वी में यूनेप की इनो प्रोग्राम की स्थापना की गई थी। इन 1972 यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम यूनेप वाज एस्टेब्लिश्ड, देयर फॉर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 11, क्वेश्चन नंबर 11, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल रिसर्च इज सिचुएटेड एट, नेशनल इंस्टीट्यूट राष्ट्रीय संस्था पर्यावरण शोध राष्ट्रीय संस्था कहाँ स्थित है, ए दिल्ली, बी कोलकाता, सी नागपुर, डी कानपुर। तो यह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल रिसर्च नागपुर में स्थित है, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इन्वायरमेंट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल रिसर्च इज सिचुएटेड एट नागपुर। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू थर्ड ट्रॉफिक लेवल, निम्न में से कौन तृतीय पोषण स्तर में आता है, ऑप्शन ए स्पाइडर मकड़ा, ऑप्शन बी कौ गाय, ऑप्शन सी हॉर्स घोड़ा, डी गोट बकरी। ये चार में से आपको पहचानना है कि थर्ड ट्रॉपिक लेवल में कौन आता है। तो स्पाइडर कीड़ा मकोड़ा खाता है, गाय घास खाती है, घोड़ा ये दाना या घास खाता है, बकरियां घास खाती है। ये सब द्वितीय ट्रॉपिक लेवल में है। स्पाइडर जो कीड़ा मकोड़ा मच्छर आदि खाता है यह थर्ड ट्रॉपिक लेवल में आता है, देयरफॉर स्पाइडर बिलोंग्स टू थर्ड ट्रॉपिक लेवल, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओजोन लेयर एग्जिस्ट इन एटमोस्फेयर, वायुमंडल में ओजोन लेयर निम्न में से किसमें स्थित है, ऑप्शन ए थर्मोस्फेयर, ऑप्शन बी मेसोस्फेयर, ऑप्शन सी ट्रोपोस्फेयर, ऑप्शन डी स्ट्रेटोस्फेयर। वायुमंडल का जब वर्टिकल लेयरिफिकेशन करते हैं तो धरातल से सटे हुए औसतन 12 या 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक आपको ट्रोपोस्फेयर पाया जाता है। ट्रोपोस्फेयर के बाद 1.5 किलोमीटर की मोटाई वाला मार्जिनल एरिया है जिसको ट्रोपोपाउज पाउच कहते हैं। उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर शुरू होता है जिसमें ओजोन लेयर स्थित है। उसके बाद मेसोस्फेयर की स्थिति आती है, तब थर्मोस्फेयर की स्थिति आती है, और इसके बाद थर्मोस्फेयर में आपको आयनोस्फेयर स्थित है, इस और सबसे ऊपर एक्सोस्फेयर आता है। इसलिए ओजोन लेयर एग्जिस्ट इन स्ट्रेटोस्फेयर, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, निम्न में से कौन इकोसिस्टम का कंपोनेंट है, ए बायोटिक एंड एबायोटिक, बी एनिमल्स एंड प्लांट्स, सी ट्रीज एंड वीड्स, डी मैन एंड फ्रॉग। जैव, यहाँ अजैव अजैव जंतु और वनस्पति, सी में है वृक्ष और घास, और डी में है मानव और मेढक। तो जो आंसर होगा ए, यानी बायोटिक एंड ए बायोटिक इज द कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। क्वेश्चन नंबर 15, हु यूज द टर्म इथोलॉजी, जैव वास की एट फर्स्ट टू स्टडी द रिलेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स विद द एनवायरनमेंट, पर्यावरण में के साथ जंतुओं और वनस्पतियों के संदर्भ का अध्ययन सबसे
पहले जो टर्म इथोलॉजी किया वह किसने किया था, यानी इथोलॉजी शब्द जैव वास्की शब्द का उच्चारण प्लांट और एनिमल के वाता पर्यावरण के संदर्भ में एनिमल और प्लांट्स के अध्ययन के लिए किसने किया इथोलॉजी का उपयोग। ऑप्शन ए अर्नेस्ट हैकेल, बी सेंट हिलेयर आइसोडोर जियोफ्राय, सी सेंट जियोर जैक्सन मिवार्ट, ई पी ओडम। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सेंट हिलेयर एंड आइसोडोर जेफ्रे यूज द टर्म एट फर्स्ट इथोलॉजी टू स्टडी द रिलेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स विद द एनवायरनमेंट। देयरफॉर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। ऑप्शन ए एग्रीकल्चर लैंड, बी एक्वेरियम, सी पीसी कल्चर, डी जू। इसका आंसर होगा एक्वेरियम इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन इकोसिस्टम, निम्न में से कौन इकोसिस्टम के रूप में पहचाना जाता है। ए अनडिस्टर्ब्ड नेचुरल एरिया, बी सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिज्म, सी एरिया रिच इन वाइल्ड लाइफ एंड नो मैन, डी लैंड एरिया ऑफ यूनिफॉर्म एनवायरमेंटल कंडीशंस। इसमें सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन इकोसिस्टम, देयरफॉर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल ऑफ इकोसिस्टम, निम्न में से कौन पहचानना है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होता है ट्रॉपिक लेवल में प्रथम। ए ऑटोट्रॉफ, बी हर्बीवोरस, सी कार्निवोर्स, डी ओमनीवोर्स। इसका आंसर होगा ए ऑटोट्रॉफ इज द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल ऑफ इकोसिस्टम। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट कंज्यूमर इन फूड चेन, फूड चेन में लास्ट अंतिम उपभोक्ता कौन होता है। ए एलिफेंट, बी कैमल, सी डियर, डी मैन। तो मैन इज द लास्ट कंज्यूमर इन फूड चेन, मानव ही अंतिम उपभोक्ता होता है, देयरफॉर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ग्रीन गोल्ड, निम्न में से कौन ग्रीन गोल्ड के नाम से जाना जाता है। हरा सोना, ऑप्शन ए फॉरेस्ट, ऑप्शन बी मैंगो, ऑप्शन सी लीची, ऑप्शन डी कैटल। तो फॉरेस्ट इज नोन एज ग्रीन गोल्ड, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, बायोस्फीयर एक्सटेंड्स इन द ओशंस अप टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डेप्थ, निम्न में से किस गहराई तक महासागरों में बायोस्फीयर एक्सटेंड करता है, यानी जैव मंडल विस्तृत है। गहराई देखिए, ऑप्शन ए 3000 मीटर, 3000 मीटर, 5000, बी 5000 मीटर, सी 9000 मीटर, डी 10000 मीटर। तो 9000 मीटर इज द करेक्ट आंसर, यानी बायोस्फीयर एक्सटेंड्स इन द ओशंस अप टू द डेप्थ ऑफ 99000 मीटर इन द ओशंस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन डज नॉट कंट्रीब्यूट इन द पॉल्यूशन ऑफ गंगा वाटर, गंगा वाटर के पॉल्यूशन में निम्न में से कौन सा शहर कंट्रीब्यूट नहीं करता है, योगदान नहीं देता है। ऑप्शन ए अलीगढ़, बी कन्नौज, सी कानपुर, डी मुंगेर।
इन चार शहरों में जो भी गंगा नदी के किनारे स्थित है वह गंगा नदी में पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन जो शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है वह गंगा नदी को पॉल्यूट नहीं करता है। ऑप्शन ए अलीगढ़ गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है, बाकी कन्नौज, कानपुर, मुंगेर तीनों शहर गंगा नदी के किनारे स्थित है, इसलिए गंगा नदी के वाटर पॉल्यूशन में इन तीनों शहरों का योगदान होता है, अलीगढ़ का कोई योगदान नहीं होता है। देयरफॉर अलीगढ़ टाउन डज नॉट कंट्रीब्यूट इन द पॉल्यूशन ऑफ गंगा वाटर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, व्हेन डिड द वाटर पॉल्यूशन एक्ट ऑफ इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस। वाटर पॉल्यूशन एक्ट ऑफ इंडिया कब अस्तित्व में आया? ऑप्शन ए 1954, बी 1964, सी 1974, डी 1984। तो 1974 ईस्वी में यह कानून वाटर पॉल्यूशन एक्ट ऑफ इंडिया अस्तित्व में आया था। तो 1974 द वाटर पॉल्यूशन एक्ट ऑफ इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस। देयरफॉर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, ग्रासलैंड इकोसिस्टम कवर्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एरिया ऑफ द ग्लोबल लिथोस्फेरिक सरफेस। संपूर्ण ग्लोब के स्थलीय भाग का कितना प्रतिशत ग्रासलैंड इकोसिस्टम कवर करता है? ऑप्शन ए 29%, बी 51%, सी 19%, डी 11%। तो 19% जो ग्लोबल लिथोस्फेरिक सरफेस का 19% भाग ग्रासलैंड इकोसिस्टम कवर करता है, इसलिए ग्रासलैंड इकोसिस्टम कवर्स 19% एरिया ऑफ द ग्लोबल लिथोस्फेरिक सरफेस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, द पॉल्यूशन ऑफ गंगा स्टार्ट फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। वाराणसी, इलाहाबाद, हरिद्वार, ऋषिकेश, इन चार शहरों में से कहां से गंगा का पॉल्यूशन प्रारंभ होता है? वाराणसी, इलाहाबाद, हरिद्वार, ऋषिकेश। तो ऋषिकेश इज द करेक्ट आंसर। ऋषिकेश से ही गंगा नदी का पॉल्यूशन प्रारंभ हो जाता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स रैंक्स वन इन द लिस्ट ऑफ वेरी हाई रिस्क मल्टी हजार्ड जोन। बहु आपदा जोन में सबसे जोन के लिस्ट में सबसे अधिक रिस्क वाला नगर यानी नंबर वन रैंकिंग वन वाला शहर कौन है? ए दिल्ली, बी आगरा, सी नागपुर, डी बेंगलोर। आंसर ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दिल्ली टाउन रैंक्स वन, दिल्ली रैंक्स वन इन द लिस्ट ऑफ वेरी हाई रिस्क मल्टी हजार्ड जोन। क्वेश्चन नंबर 27, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड और नॉट सिमिलर टू अदर्स। निम्न में से कौन एक समान है या और चौथा कौन है जो ऑड है, जो शेष तीन से नहीं मिलता है? व्हीट फील्ड इकोसिस्टम, राइस फील्ड इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, फॉडर फील्ड इकोसिस्टम। तो सी ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ग्रासलैंड इकोसिस्टम, व्हीट इकोसिस्टम, राइस फील्ड इकोसिस्टम या फॉडर फील्ड इकोसिस्टम की से समानता नहीं रखता है। क्वेश्चन नंबर 28, द प्लेस वेयर ए सीवेज ड्रेन फ्रॉम ए टाउन फॉल्स इन ए रिवर इज नोन एज व्हाट। वह स्थान वह जहां मल जल से भरी नाली जो किसी शहर से निकलती है और किसी नदी में गिरती है,
तो जिस नदी में जिस बिंदु पर जिस स्थान पर गिरती है वह क्या कहलाता है? सोर्स ऑफ पॉल्यूशन ए, बी पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन, सी लाइन सोर्स पॉल्यूशन, डी वेन्यू सोर्स पॉल्यूशन। इसमें ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन इज द करेक्ट आंसर। यहीं जहां नगर से गिरने वाली गंदमल जल, जलमल जल से युक्त नाली जब किसी नदी में मिलती है तो जिस बिंदु पर मिलती है उसको पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन कहा जाता है। देयरफॉर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज इकोनॉमिक पॉल्यूशन। निम्न में से कौन इकोनॉमिक पॉल्यूशन कहलाता है, आर्थिक प्रदूषण कहलाता है? सॉइल पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, ए बी सी डी। इसमें ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल जब मिट्टी जब प्रदूषित हो जाती है तो उस प्रदूषित मिट्टी पर जो पदार्थ, जो क्रॉप्स उगाते हैं वह भी प्रदूषित हो जाते हैं। इसलिए यहाँ चाहे वह जो भी पदार्थ हो सब प्रदूषित हो जाता है। इसलिए इसको और टोटल इंडिया इज ए, इंडिया का जो इकोनॉमी है वह कृषि प्रधान इकोनॉमी है, कृषि पर आधारित है और कृषि मिट्टी पर आधारित है। मिट्टी पोल्यूट हो गया तो टोटल कृषि पोल्यूट हो जाती है और कृषि अपंग हो जाती है। देयरफॉर सॉइल पोल्यूशन इज कॉल्ड एज एन इकोनॉमिक पोल्यूशन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक इज द मोस्ट हार्मफुल। कौन सा भूकंपीय तीव्रता सर्वाधिक हार्मफुल है? फीबल इंटेंसिटी, वेरी स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी, डिजास्ट्रस इंटेंसिटी एंड कैटास्ट्रोफिक इंटेंसिटी। इसके लिए आपको तीव्रता जानना होगा कि किस प्रकार के भूकंप की तीव्रता क्या होता है। तो हम निर्धारित कर लेंगे कि कौन सा इंटेंसिटी सर्वाधिक हानिकारक होता है। देखिए अर्थक्वेक, यहाँ आपको इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक का लिस्ट ही आपके सामने रख रहे हैं। अर्थक्वेक में इंस्ट्रूमेंटल इंटेंसिटी होता है जो सामान्य होता है, जो हानिकारक नहीं होता है, लेकिन फीबल इंटेंसिटी की तीव्रता 3.5 टू 4.2 होता है। मॉडरेट इंटेंसिटी की तीव्रता 4.3 टू 4.8 होता है, यह रिक्टर स्केल पर मापा जाता है। स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी 4.9 टू 5.4 होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी 5.5 टू 6.1 इंटेंसिटी होता है। अर्थात भूकंपीय जो तरंग है PSL, चाहे PGSG, P*, S*, ये सब जो इसकी ये भूकंपीय तरंगें हैं, इस तरंगों का इंटेंसिटी तीव्रता दिखा रहे हैं कि वेरी स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी अगर होता है तो 5.5 टू 6.1 होता है, लेकिन डिस्ट्रक्टिव जो होता है उसका 6.2 से 6.9 होता है। डिजास्ट्रस इंटेंसिटी का 7.0 टू 7.3 होता है, वेरी डिजास्ट्रस इंटेंसिटी का 7.4 टू 8.1 होता है, और कैटास्ट्रोफिक इंटेंसिटी जो होता है एबव 8.1 होता है। मीन्स टू से कैटास्ट्रोफिक इंटेंसिटी इज द मोस्ट हार्मफुल, इसी का मोस्ट हार्मफुल इम्पैक्ट होता है। तो इसमें कैटास्ट्रोफिक इंटेंसिटी इज द मोस्ट हार्मफुल, ऑप्शन डी इज द करेक्ट।